नमस्कार दोस्तों, मैं बिन्नी कुमारी अपने किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए, आप सबके लिए एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए, मैं एग रोल बनाने जा रही हूँ। एग रोल के लिए पहले डो तैयार करना है हमको। मैदा का 1 कप मैदा ले ली हूँ। इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच 1/4 चम्मच नमक। अब इसका हम पहले डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा घी इसको डो तैयार कर लेंगे। इसका डो ना ज़्यादा नरम। डो तैयार करने के लिए ऐसे मसल मसल करके डो तैयार किया जाता है, लमड़ा लमड़ा करके। आटा के जैसे ही नहीं तैयार होता है मैदा, ऐसे लमड़ा लमड़ा करके ये हो गया है डो। डो तैयार हो गया है बहुत अच्छा से। इसमें थोड़ा सा घी लगा देते हैं। घी लगा देने से सूखता नहीं है, तब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं भरने के लिए। रोटी पर लगाने के लिए, एग रोल पर लगाने के लिए सॉस तैयार कर रहे हैं। टोमेटो सॉस है और ये ग्रीन चिली है। थोड़ा सा हॉट चिली सॉस है। सबको मिक्स करके रोटी पर लगाने के लिए, ऊपर जब एग रोल तैयार होगा उसके लिए। कढ़ाई गर्म होता है उसमें ऑयल डाल देंगे, फिर इसको थोड़ा सा हल्का फ्राई कर दिया जाएगा। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हरी मिर्ची 2 ठो काट लिए हैं, थोड़ा सा पत्ता गोभी है, बड़ा वाला गाजर 1 ठो आधा उसमें से किए हैं, थोड़ा सा शिमला मिर्च है, प्याज है। इसको ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे, हल्का हल्का भुनाएगा। थोड़ा सा काली मिर्च इसमें डाल दिए, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा सिरका 1/2 चम्मच ज़्यादा नहीं, ये सब
तैयार हो गया। ये तैयार हो गया है। छोटा छोटी छोटी लोई इसका तैयार करेंगे। एक लोई लेंगे, थोड़ा सा परथन लगा करके इसको बेल देंगे। चूल्हा को जला लेंगे पहले। मैदा के रोटी को बेलने पर थोड़ा सा लमड़ता है, रोटी को थोड़ा सा लच्छा पराठा के शेप देंगे हम। इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे। थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़क देंगे जिससे लच्छा के जैसे निकलेगा इसमें से परत दर परत। इसको हाफ ऐसे कटिंग कर देंगे। अब इससे इसको रोल बना देंगे। ऐसे रोल बना देंगे। रोल बना देंगे इसको। इसको धीरे धीरे इसे मुड़ते मुड़ते इसे कर देंगे फिर से। अब इसको फिर से हम बेलेंगे। गरम हो गया है पैन, इसमें रोटी डाल दिए। इसको उलट देंगे। किनारे से इसमें ऊपर एक तरफ से उसमें घी नहीं लगेगा, नीचे से क्यों केवल घी लगेगा, क्योंकि इसके तरफ ऊपर से लगाएंगे उस पर से अंडा। मेन पका देना है इसको, बढ़िया पक जाएगा। इसमें हम अंडा को डालेंगे। को मिला करके Thank you.
की रोटी को इस पर ऐसे जब तक ये हो रहा है तब तक इस पर मसाला रेडी कर रहे हैं। सॉस में सब सॉस मिला हुआ है इसमें, अब इसको रोल करेंगे। बढ़िया से इसको रोल करना होगा क्योंकि अभी इस पर हो गया। टिश्यू पेपर को इसको करके इसको आराम से रोल किया जाता है जिससे बढ़िया से बैठ जाए। तो तैयार हो गया। तो इसको एक रोटी और रख देते हैं इस पे, फिर इसको भी ये रोल तैयार हो गया है, एग रोल। ये मेरा एग रोल कैसा बना है दोस्तों? अगर मेरा एग रोल बढ़िया बना हो तो मुझे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू, बाय बाय।